बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब से, तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप मुझे लिख कर भी भेज सकते हैं। आज है 21 सितंबर 2022, दिन है बुधवार का। वहीं पर अगर आज के पंचांग की हम बात करें तो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, और साथ ही साथ ये तिथि जो है रात के 11:34 पे समाप्त हो जाएगी, वहीं पे द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र रहेगा पुष्य रात के 11:47 तक, इसके बाद जो है अश्लेषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। राहुकाल का समय रहेगा दोपहर के 12:19 से लेकर के 1:50 तक का, तो इस दौरान आपको किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं करना है। चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे। चलिए जानते हैं क्या कहते हैं आपके टैरो कार्ड्स, क्या कहते हैं करिश्मा के करिश्माई पत्ते। बात करेंगे सबसे पहली राशि मेष राशि के जातकों की, तो मेष राशि के लिए कार्ड्स आए हैं 6 of Wands, 5 of Wands और 3 of Wands। Wands कार्ड आया है, आज करियर में मेहनत करने की आवश्यकता है, कंपटीशन लेवल जो है वो बढ़ सकता है, मगर आपको अपनी मेहनत की वजह से इस आपकी मेहनत का सही परिणाम भी मिल सकता है, तो इसलिए मेहनत ज़रूर कीजिए। कंपटीशन अगर बढ़ रहा है तो उसको फेस कीजिए, और कोई भी ऐसा गलत कार्य ना करें जो कि आपके चरित्र पर दाग लगाए। आपके लिए सही रहेगा आज के दिन आप लोग जो है भगवान गणेश जी की उपासना करें। बुधवार का दिन है, गणेश जी की उपासना करना बहुत खास रहेगा। बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लिए कार्ड्स आए हैं 8 of Wands, 6 of Pentacles और वहीं पे 7 of Swords का क्षमा कीजिएगा। अगर देखा जाए तो आज जान पूछ के जाने अनजाने में कोई गलती कर सकते हैं जो कि आपके लिए ठीक ना हो, या आपके परिवार या आपके बहुत जो बिलव्ड वंस हैं उनके लिए ठीक ना हो, तो इसीलिए ऐसा कोई कार्य ना करें जो किसी के मन को ठेस पहुंचाए। करियर में नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मगर वहीं पे जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके कलीग्स जो होंगे, वो आपकी निंदा भी कर सकते हैं, इसीलिए इन सब चीज़ों से बच करके रहना है। वहीं पे स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलिए, आज ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय सही रहेगा आज के दिन आप लोग जो है बताशे पीपल के वृक्ष के नीचे ज़रूर रखें। बात करेंगे हम मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के लिए कार्ड्स आए हैं 8 of Wands, जस्टिस और एम्प्रेस कार्ड आया है। आज कहीं ना कहीं मुश्किलें आ सकती हैं कार्यों को लेकर के। वहीं पर आज मिथुन राशि की महिलाओं के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा, लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज के दिन जो लोग लॉ सेक्टर से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा, उनको कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ मिल सकती है। आपके लिए अच्छा रहेगा आज के दिन, भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। बात करेंगे हम कर्क राशि के जातकों की, तो कर्क राशि के लिए कार्ड्स आए हैं 8 of Cups, वहीं पे कार्ड आया है 4 of Wands का और 10 of Wands का। आज मेहनत ज़रूर करें, लापरवाही नहीं करनी है, तभी आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त होगा। वहीं पे परिवार के साथ आज समय अच्छा बीत सकता है। आपके लिए उपाय सही रहेगा यदि आज के दिन आप लोग जो हैं भगवान श्री गणेश जी को केसर का भोग लगाएं। बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की, तो सिंह राशि के लिए कार्ड्स आए हैं द हर्मिट, 8 of Swords और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आज अपनी मनमानी की वजह से अपने खुद की ही बातों में फंस सकते हैं, स्टकनेस रह सकती है, इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। क्रोध पर आज के दिन नियंत्रण रखें, वाणी पे नियंत्रण रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पेशली सिंह राशि की महिलाओं को आज के दिन अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है, गुस्सा नहीं करना है, इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए। आपके लिए उपाय सही रहेगा आज के दिन आप लोग जो है भगवान श्री गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें। बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की, तो कन्या राशि के लिए कार्ड्स आए हैं 3 of Swords, वहीं पे 2 of Cups का और किंग ऑफ Swords का। आज हो सकता है रिश्तों में कहीं दिल टूटे, या हो सकता है कोई ऐसी बातचीत हो जो कि आपके मन को ठेस पहुंचाए। अपने पार्टनर को आज के दिन समझने की कोशिश करनी है, अगर कोई ऐसी लड़ाई झगड़े की बातचीत होती भी है तो लड़ाई झगड़े को अवॉइड करके चलना है, गुस्सा नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपके लिए उपाय सही रहेगा आज के दिन आप लोग जो है पान भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करें। बात करेंगे हम तुला राशि के जातकों की, तुला राशि के लिए कार्ड्स आए हैं 10 of Swords, क्वीन ऑफ Swords और 3 of Pentacles। स्वास्थ्य और धन का दोनों का ध्यान रखिए। यात्रा कर रहे हैं तो आज के दिन पिक पॉकेट्स यानी चोरों से बच के रहना है, जेब
आज के दिन कटने का कहीं ना कहीं संभावना बन रही है। स्पेशली आज के दिन महिलाएं जो हैं वो घर से बाहर निकलते समय एक छोटा सा उपाय करें। आज के दिन जो है आप लोग अपने घर से निकलते समय भगवान श्री गणेश जी को 3 इलायची अर्पित करें और खुद भी मुंह में इलायची रख करके घर से बाहर निकलें। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। तो वृश्चिक राशि के लिए कार्ड्स आए हैं द लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और साथ साथ आपके लिए कार्ड आया है 7 of Cups का। आज रिश्तों में मधुरता रहेगी मगर लापरवाही हो सकती है पैसों को लेकर के। पैसा अत्यधिक खर्चा हो सकता है, हो सकता है आज ओवर शो ऑफ में आप पैसा खर्च कर दें या फिर जो है एक्सपेंसेस आपके ओवर हो जाएं जिसकी वजह से आपको धन से संबंधित थोड़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए ज़्यादा खर्चा आज के दिन ना करें। आपके लिए सही रहेगा आज के दिन आप लोग जो है गणेश चालीसा का पाठ करें। बात करेंगे धनुराशि के जातकों की। धनुराशि के लिए कार्ड्स आए हैं 7 of Pentacles, 6 of Cups और 8 of Cups का। आज रिश्तों में नई शुरुआत हो सकती है, पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, हो सकता है पुराने रिश्ते ही एक तरह से नए हो करके नए सिलसिले में शुरुआत हो उनकी। इसके अलावा आज थोड़ा पैसों को लेकर के ध्यान रखें। हो सकता है आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में करियर से संबंधित या पैसों से संबंधित वो एक्सपेक्टेशंस आज के दिन फुलफिल ना हो जिसकी वजह से आप निराश हो सकते हैं, मगर अपने रिश्तों की वजह से आप अपने आप को स्ट्रांग फील करेंगे। बात करेंगे आप लोगों के उपाय की। आज के दिन आप लोग जो हैं भगवान श्री गणेश जी को लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। तो मकर राशि के लिए कार्ड्स आए हैं 9 of Wands, 5 of Swords और 2 of Pentacles। आज मेहनत करके थक चुके होंगे, इस वजह से आपको लगेगा कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। मेहनत कीजिए, आपको इसका सही परिणाम जरूर मिलेगा। अपनी मनमानी नहीं करनी है, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है, तभी जा करके आपको सही परिणाम प्राप्त होंगे। आपके लिए सही रहेगा आज के दिन आज जो है भगवान श्री गणेश जी को श्रीफल का भोग लगाएं। बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। तो कुंभ राशि के लिए कार्ड्स आए हैं 8 of Pentacles, 9 of Pentacles और King of Wands का। आज धन को लेकर के नई शुरुआत हो सकती है, रुका हुआ धन आपके पास आ सकता है, धन में स्थिरता महसूस होगी। वहीं पर आज लग्जरी पे अपनी जो है पैसा खर्चा कर सकते हैं जो कि जायज़ भी रहेगा, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आज पिता का संयोग बहुत ज़्यादा मिलेगा, अगर आपके पिता इस दुनिया में नहीं है तो आज के दिन उनके नाम से कोई भी वस्तु दान ज़रूर करें। बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि के जातकों की। तो मीन राशि के लिए कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स, 9 of Swords और साथ साथ 4 of Pentacles। आज कंजूसी से चलें नहीं तो परेशानी हो सकती है धन को लेकर के, इसीलिए आज बहुत ज़्यादा सतर्कता से रहना है, लापरवाही नहीं करनी है धन के प्रति, नहीं तो आने वाले समय में फाइनेंशियल क्राइसिस आपके ऊपर आ सकते हैं। आपके लिए सही रहेगा आज के दिन आप लोग जो है अथर्वशीर्ष का पाठ करें। तो बात करेंगे अंतिम में टिप ऑफ द डे की। एकादशी का दिन है, भगवान विष्णु जी को हर एक एकादशी जो है समर्पित होती है। वहीं पर एकादशी पर जो आपके पूर्वज स्वर्गवासी हुए थे उनका आज के दिन श्राद्ध किया जाएगा। तो आज के दिन आप लोग जो है पीली वस्तुएं ज़रूर निकालें, पीला वस्त्र दान दें, गेहूं दान दें, बेसन दान दें या फिर चने की दाल दान करें। इसके अलावा आज भगवान विष्णु जी की उपासना करें, भगवान विष्णु जी को आज के दिन बेसन का हलवा बना करके भोग में ज़रूर लगाएं, बहुत खास रहेगा। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए करिश्मा के करिश्माई बत्ते केवल आस्ट्रो तक पे। नमस्कार, जय श्री राधे।